Sigma warriors, we're just taking down your walls. We victorious, we will take it all. How'd you go? Yeah, it's glorious. Sweep you off your feet, I know. Janitorial, we will take it all. Yeah! तो बाइक का सफ़र जितना था वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से पैदल चल के अंदर की तरफ जाना है। आज ख़ुद की बाइक नहीं थी तो इसलिए कोई मोटो व्लॉग नहीं हुआ, हेलमेट नहीं था, कैमरा भी नहीं था, तो पब्लिक बाइक ली थी इसलिए मोटो व्लॉग नहीं कर पाए। तो नीचे की तरफ जाएंगे वहाँ सीन। पैदल के सफ़र में अभी एडवेंचर मेन स्टार्ट होने वाला है। और ये देखो भैया, बोल यहाँ से ऐसा लगता है शेर वेर गुजरते होंगे। हाँ देख रहो, सैंड है पूरी, है उसमें पैर दस है उसमें। ओ, हम अपनी मेन लोकेशन पे आ चुके हैं। मैं एक अपने फ्रेंड के साथ हूँ, सर्जिनो, तो इज नेम सर्जिनो, और ये इंस्टाग्राम से मुझे मिला था। तो इसने कहा कि हम किन्शासा में जो है करीब करीब में जो अच्छी जगह है वहाँ विज़िट कर सकते हैं। तो आज हम कोंगो रिवर के एक किनारे पे आए जहाँ पे अभी बारिश नहीं है तो पानी काफ़ी जो है डाउन हो चुका है और ये सारी स्पेस बाहर आ चुकी है। तो यहाँ पे लोग आते हैं, थोड़ा बैठते हैं, बीच जैसा फील होता है लेकिन ये बीच नहीं है, ये एक नदी का किनारा है जहाँ पानी का लेवल अभी कम है। Ali Congo, Congo is Congo, best. Congo kitoko. Bazana Congo. So nae bisa mondele new so ana bazana hawa. Babi mali banda. Vraiment. Batambola. Congo is a kitoko. Congo is a kitoko. यहाँ पे एक बोट है ऐसा का जेते मोबा जेते मोबिंबा।
तो यहाँ पे एक बोट बनाई हुई है और हैंडमेड इट बसालेगी ना मबोगो। तो ये एक बोट है, काफ़ी पुरानी है और अफ्रीकन कंट्री की स्पेशलिटीज़ है इस तरह की बोट बनाने की। इसका साइज़ देख रहे हो आप मतलब अगर मैं यहाँ खड़े रहता हूँ तो इसका साइज़ अंदाज़ा लगा तकरीबन एक उजाला था त्रान ये बोट यहाँ से डैमेज हो गई है इसलिए यहाँ पे रखी हुई है। सो ये छोटी छोटी स्पेशलिटीज़ है कोंगो की और अफ्रीका की। उतरते टाइम इस तरफ से उतरे थे हम लोग, यहाँ पे बहुत सारी सैंड है तो अभी नहीं हम लोग साइड वाला रास्ता पकड़ेंगे, यहाँ थोड़ा पत्थर है तो चढ़ने में इजी होंगे। तो ये लास्ट व्यू है इस जगह का और यहाँ का कहानी ख़त्म हो गई क्योंकि अब रिटर्न भी जाना है। रिटर्न के लिए हम लोग टैक्सी पकड़ेंगे नॉर्मल यहाँ पे जो मिल जाती है। और बस आज के लिए इतना ही था, मोटो व्लॉग भी हो जाता लेकिन उसके लिए हेलमेट प्रॉपर एक्शन कैमरा वाला सेटअप मुझे चाहिए रहता और ये यहाँ के रोड मुझे पता नहीं है तो इसलिए मैंने वो वाला काम नहीं किया इसलिए मोटो व्लॉग नहीं हो पाया इस बार। पर मोटो व्लॉग भी होते रहेंगे, थोड़ा टाइम चाहिए। रास्ते में एक पेड़ दिखा और इसमें बॉल जैसे कुछ लगे हुए तो पता नहीं ये क्या है मैंने सिविलियन से भी पूछा बट इसको भी नाम याद नहीं आ रहा है। दिखने में कुछ ऐसे बॉल जैसा है, लग तो सही रहा है। इधर पे मक्का सी है मातुंगे बलिया का वो पे वो बलिया का सो ये लिंगाला में लिखते होंगे तो हम लोग अभी चढ़ के जा रहे हैं ऊपर और हम लोग वहाँ गए थे तो वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया ऐसे करके करके और यहाँ से अब लोग हम ऊपर जा रहे हैं। वहाँ से रिटर्न आ चुके हैं और कच्चे रोड पे यहाँ से हम लोग बाइक पकड़ेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बॉक्स से कोई भी तो मोटो पकड़ के हम लोग फिर आगे की सवारी कंप्लीट करेंगे। काफ़ी लंबा दिन हो चुका था ऑलरेडी तो ये थी मेरी कहानी इस नए सफर की और ये ना पहली है और ना आखिरी तो ध्यान रखना।